पर्दा जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। लग सकता है राधे की वजह से झटका। क्या सलमान खान इस बार की रेस से हो सकते हैं बाहर? और कौन दोबारा एंट्री करेगा इस बार रेस 4 में? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और लाई हूं निर्देशक रमेश तौरानी की आगामी फिल्म रेस 4 से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का डोज। तो अगर आप भी इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे और आपके यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। रेस सीरीज अपने स्टाइलिश कैरेक्टर्स, एक्सपेंसिव कार्स, अमेजिंग लोकेशंस और मूवी में अपने अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए जानी जाती है। रेस के अब तक 3 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और अब लोगों को इंतजार है इसके 4th पार्ट का। तो आपको बता दें, डायरेक्टर रमेश तौरानी ने रेस 4 के बनने की न्यूज को कंफर्म कर दिया है। और अब जब ये न्यूज कंफर्म हो गई है तो लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये मूवी कब रिलीज होगी, फिल्म में हीरो कौन होगा और इस फिल्म की कहानी क्या होगी, वगैरह वगैरह। तो अगर सबसे पहले बात की जाए फिल्म के कास्ट की तो सलमान खान के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, डायरेक्टर रमेश तौरानी ने ये बताया है कि सलमान खान रेस 4 का हिस्सा जरूर होंगे और सलमान खान भी अपने फैंस को सरप्राइज करने के लिए ही जाने जाते हैं। रेस 3 की रिलीज के बाद उन्होंने ये कंफर्म कर दिया था कि वो ऑलरेडी रेस 4 की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर बात की जाए रेस 4 की रिलीज डेट की तो अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, अभी तो फिल्म की शूटिंग भी शुरू नहीं हुई है। डायरेक्टर रमेश तौरानी ने कहा कि अगर उन्हें एक सही और अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट मिल गई तो वो इस पर काम जल्द ही शुरू करेंगे। खैर, इस बार फिल्म के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि रेस 1 और रेस 2 की कहानी बहुत अमेजिंग थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। लेकिन वहीं देखा जाए तो उसकी तीसरी पार्ट यानी रेस 3 बॉक्स ऑफिस पर हिट तो हुई थी लेकिन इसकी कहानी बिलो एवरेज थी। हालांकि सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म राधे को लेकर वो काफी ट्रोल किए गए हैं, यहां तक कि उनके एक फैंस ने ये तक कमेंट कर दिया था कि कहीं ऐसी ही दुर्दशा रेस 4 की ना हो जाए। रेस 4 में पहले सलमान खान की होने की संभावना जितनी ज्यादा थी अब राधे की रिलीज की बात काफी कम हो गई है। यहां तक कि दर्शकों ने तो मेकर से सैफ अली खान को वापस लाने की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि रेस 4 जैसी बड़ी बैनर की फिल्म में सलमान खान को वापस लिया जाएगा या नहीं, या उनकी जगह सैफ अली खान इस फिल्म में री एंट्री कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस फिल्म से जुड़ी अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड स्टूडियोज में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।